हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम सुभद्रा योजना के लिए कौन कौन एलिजिबल हैं ये जानकारी आज के इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। एलिजिबिलिटी फॉर सुभद्रा स्कीम। सुभद्रा योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये हर साल आपको यहाँ पर दिया जाता है और साल का 10,000 ये आपको 5 साल तक दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका 50,000 गवर्नमेंट की तरफ से सुभद्रा योजना के अंतर्गत दिया जा रहा है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसके लिए कौन कौन एलिजिबल होंगे, कौन अप्लाई कर सकते हैं। वैसे आप नाम से ही समझ रहे हैं कि सुभद्रा योजना जो चलाई गई है ये योजना महिलाओं के लिए है, पुरुष इसके लिए एलिजिबल नहीं है। महिलाएं इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। तो चलिए हम महिलाओं के लिए इसकी योग्यता देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप यही देख लीजिए कि ये जो योजना है किस स्टेट से चलाई जा रही है। सुभद्रा योजना, ये जो योजना है ये उड़ीसा राज्य की योजना है। यहाँ पर जो एप्लीकेंट है वो उड़ीसा के स्थायी निवासी होना चाहिए। द एप्लीकेंट शुड बी कवर्ड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA या स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम। एनी वूमेन फ्रॉम अ फैमिली विदाउट या एन NFSA और SFSS कार्ड कैन अप्लाई अंडर सुभद्रा। जो फैमिली, एनी वूमेन जो कि फैमिली विदाउट एनी, ये जो कार्ड है इनके बगैर आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। द एप्लीकेंट शुड कवर्ड अंडर द, ये इनके अंडर में कवर होनी चाहिए, ठीक है। कार्ड नहीं है, अप्लाई कर सकते हैं। और इफ़ हर फैमिली इनकम इज नॉट मोर देन 250 लाख, 2.5 लाख से ज़्यादा आपकी फैमिली इनकम नहीं होनी चाहिए। टू बी एलिजिबल अंडर द स्कीम द एप्लीकेंट एज शुड बी 21 ईयर, कम से कम आपकी एज 21 साल होनी चाहिए। जो महिला आवेदन कर रही है उड़ीसा की निवासी होना चाहिए। बाकी हमने NFSA और SFSS के बारे में देख लिया, ठीक है। कार्ड नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज आपकी कम से कम 21 होनी चाहिए, 21 से ज़्यादा होनी चाहिए और 60 से कम, 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 21 से 60 वर्ष की जो महिलाएं हैं वो इसके लिए क्वालिफाई हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की अगर बात करें तो वुमेन 21 से 60 वर्ष की 1 जुलाई 2024 तक होनी चाहिए। जो आपकी अपर एज लिमिट है 60 ईयर और मिनिमम 21, 1 जुलाई 2024 से देखी जाएगी। अगर आप ऐसे नहीं देखेंगे तो 2024-25 के लिए आप बर्थ डेट देख सकते हैं। 2 जुलाई 1964 से लेकर 1 जुलाई 2003 के बीच आपका बर्थ डेट होना चाहिए। एंड इसके अलावा यहाँ पर है फॉर 2024-25 इफ अ वूमेन अटेंड द एज 21 ईयर, 1 जुलाई 2024, विल गेट ₹10,000 पर ईयर ओनली फॉर द रिमेनिंग ईयर ऑफ द सेम पीरियड। इसी तरह से आप अगर जैसे 2024-25 में कर रहे हैं और 60 ईयर हैं, जैसे 1 जुलाई 2024 पर आप 6 साल कंप्लीट कर रहे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है इसके लिए मैंने अलग से वीडियो प्रोवाइड किया, क्योंकि फुल इंफॉर्मेशन के साथ भी मैंने वीडियो प्रोवाइड किया था जिसका लिंक आपको आई बटन पर दे दूँगी। उसमें आपको एलिजिबिलिटी क्लियर नहीं थी, तो फाइनली अभी आपको क्लियर हो गया होगा। एज 21 से 60, 1 जुलाई 2024, क्योंकि हम फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की बात कर रहे हैं, तो 21 से 60 साल आपकी 1 जुलाई 2024 तक कंप्लीट होनी चाहिए, ओके। अगर आपकी एज 21 से ज़्यादा है और 60 से कम है तो आप उतने ही, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर जो जो अमाउंट है, जो राशि है, वो आपको बचे हुए जो ईयर रहेंगे उस हिसाब से आपको दी जाएगी, ओके। सो ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप जाकर के वीडियो विजिट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।